उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पीलीभीत पहुंचे, जहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। संबोधन के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि पिछले सरकार के दौर में एक विशेष परिवार के लोग धन वसूली के लिए निकलते थे। पिछले सरकार में गरीबों के पैसे को दीवार में छिपाया जाता था, लेकिन इस सरकार में दीवार तोड़ कर बाहर निकाला जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ड्रोमन राजकीय इंटर कॉलेज पे बने हेलीपैड पर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद सीएम योगी ने जिले में 381 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार आने के बाद प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर आ गया है। हमें जनता का आशीर्वाद चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश नंबर वन प्रदेश बन सके। सीएम योगी ने संबोधन के दौरान कहा कि पहले हर कोई भारत की ओर आंख दिखाता था, लेकिन जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से देश की आन बान शान में गुस्ताखी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। गुंडे माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और दंगे करने वालों से वसूली हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि भगवान राम के भव्य मंदिर को बसपा कांग्रेस सपा क्या कभी बनाती, बीजेपी सरकार में राम मंदिर और काशी धाम को भी विकसित कर जनता को समर्पित किया गया। नोर के पहाड़ निकलने हैं, पीलीभीत को तराई से जवाब है, यहां से कुछ ही दूरी पर पहाड़ दिखता होगा, लेकिन आपने यहां पर ये भौतिक पहाड़ तो मिट्टी और पत्थर से बने हुए पहाड़ तो देखा ही होगा, लेकिन आपने टेलीविजन में नोट के पहाड़ भी देखे होंगे। ये बेमानी से कमाया गया वह धन है जो गरीब के पास जाना चाहिए था, किसान के पास जाना चाहिए था, महिलाओं के उत्थान के लिए लगना चाहिए था और बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के लिए लगना चाहिए था। पहले यही पैसा जो आज गरीब के घर में लग रहा है, उसका मकान बनाने में, उसके शौचालय बनाने में, उसको 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा कवर करने में लगाया जा रहा है, यही पैसा पहले इन भ्रष्ट नेताओं की जेब में जाता था और वही पैसा आज हम लोग जेसीबी के माध्यम से उनके घरों से निकाल रहे हैं।